मुक्केबाजों की अनगिनत कहानियां हैं जिन्हें रिंग में सफलता हासिल करने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार करना पड़ा है ऐसे ही एक कहानी पनामा के मुक्केबाज रॉबर्टो डुरान की है जो कि शुरुआत से उठकर अब तक के सबसे महान फाइटर्स में से एक बन गए फिल्म गणपत में भी टाइगर के बॉक्सर बनने के स्ट्रगल को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से सामने लाए जाने की उम्मीद है डुरान का जन्म पनामा सिटी में ईयर 1951 में हुआ था वो 16 बच्चों में से एक थे बड़े होने पर उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया अक्सर बिना भोजन पानी के कई दिन उन्हें गुजारना पड़ता था यहीं पर उन्हें बॉक्सिंग के प्रति अपने प्यार का पता चला जिम में अपने टैलेंट को निखारने और अन्य युवा फाइटर्स के साथ कुश्ती करने के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी अपनी इस टैलेंट के बावजूद जुरान को ऊंचाई तक पहुंचने के अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्होंने अनुशासन के साथ संघर्ष किया अक्सर वो अपने बड़े मैचेस के पहले पार्टी करते थे जिससे वो अगले दिन अच्छा परफॉर्म कर पाए उन्होंने भेदभाव का भी सामना किया खासकर जब संयुक्त राज्य अमेरिका में वे लड़ रहे थे जहां एक बार उन्हें उनकी कास्ट और रंग के कारण अवॉर्ड ही नहीं दिया गया था लेकिन इन असफलताओं के बावजूद डुरान ने कभी भी हार नहीं मानी एक बॉक्सर के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए उन्होंने उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा ईयर में अंततः चैंपियनशिप के लिए स्कॉटलैंड के केन बुकानन के खिलाफ मुकाबला करते हुए विश्व खिताब हासिल किया एक बहुत ही क्रिटिकल मैच में जिसमें दोनों ओपोनेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस मैच में डुरान जीत गए और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा वहां से डुरान अपने समय के सबसे फेमस बॉक्सर्स में से एक बन गए उन्होंने कई विगत लिफ्टिंग में जीते और, अपनी पंचिंग शक्ति के लिए और कड़ी मेहनत और उनका हमेशा जमीन से जुड़े रहने को ही उन्होंने अपनी सक्सेस का कारण माना मूवी में भी टाइगर भी एक ऐसे बॉक्सर का रोल प्ले करने वाले हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है लेकिन वो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं गणपत में टाइगर के संघर्ष को रियल लाइफ का संघर्ष और सपनों की जद्दोजहद का एक बहुत ही रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन का फैंस को इंतजार है जिससे वो रिलेट कर पाए और इंस्पायर हो जाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद डुरान की कहानी बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई थी उन्हें 1980 में सुगर रे लियोनार्ड से एक मैच लड़ना पड़ा और उसमें उन्हें काफी चोटें आई और अपने पूरे करियर में एडिक्शन और ब्रेकअप जैसे पर्सनल से भी भी उन्हें जूझना पड़ा लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी दुरान अंत तक एक फाइटर बने रहे जिन्होंने अपनी डेटरमिनेशन और सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया फिल्म गणपत में भी टाइगर के बॉक्सर बनने के स्ट्रगल को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से सामने लाए जाने की उम्मीद है तो दोस्तों जाते जाते हम आपको एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑपरचुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए और हाँ इस वीडियो को भी जाते जाते कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत नमस्कार